हेलो एवरी वन वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल अपैक्स ट्यूटोरियल एंड इन दिस वीडियो वी विल कीप कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर द प्रपोजल फ्राम फर्स्ट फ्लाइट और यहाँ तक हमने क्या देखा यहाँ तक हमने ये देखा है इस वन एक्ट प्ले में जो एंटन चेखो का लिखा हुआ है कि लोमो जो है तैयार होकर नतालिया के घर उसको प्रपोज करने जाता है उसके फादर बहुत खुश होते हैं लेकिन जब नतालिया और लोमो मिलते हैं तो वो झगड़ने लगते हैं ऑक्जन मिडोज को लेकर के इसी बीच चुबो को भी उसमें लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और गालियाँ देकर के लोमो को वहां से भगा दिया जाता है लेकिन जैसे ही नतालिया को पता चलता है कि लोमो उसे प्रपोज़ करने के लिए आया था उससे शादी करने के लिए आया था तो वो चीखने चिल्लाने लगती है रोने लगती है और अपने फादर चुबुको को कहती है उसे वापस ले कर आओ मुझे उसी से शादी करनी है वो उसे वापस बुला के ले आते हैं वहाँ से चले जाते हैं इसी बीच नतालिया और की बातचीत चल रही होती है तो वो फिर से एक और दूसरे इशू के ऊपर कुत्तों के ऊपर अपने डॉग्स को लेकर के वो फिर से झगड़ने लगते हैं और अभी वो झगड़ा कंटिन्यू चल रहा है और हम लोग आ गए हैं पेज नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी फोर पे और यहाँ डायलॉग शुरू होता है लोमोव का आई सी मुझे लगता है नैतालिया स्टेपनोना दैट यू कंसीडर मी ईदर ब्लाइंड और अ फूल कंसीडर कंसीडर मानना आप मुझे या तो अंधा समझती हैं या फिर बेवकूफ यू मस्ट रियलाइज दैट इस क्वीजर इज ओवर शॉर्ट इट इज नॉट ट्रू सॉरी दैट स्क्वीज़र इज़ ओवर शॉर्ट ओवर शोट को मैंने पहले ही एक पिक्चर की मदद से आपको एक्सप्लेन कर दिया था ओवर शॉट होता है जिस ऐसा डॉग जिसके uh, जो जॉज uh, होते हैं जबड़े होते हैं ऊपर नीचे के उनमें डिफ्रेंस होता है यू मस्ट रियलाइज़ तुम्हें मानना ही होगा कि स्क्वीज़र ओवर शॉट है नटालिया इट इज़ नॉट ट्रू ये सच नहीं है लोमो वी इज वो है नटालिया इट इज़ नॉट ट्रू ये सच नहीं है लोमो वाई शाउट मैडम चिल्लाती क्यों हूँ मैडम नेटालिया वाई टॉक रॉट तुम जो है सड़ी हुई बातें क्यों करते हो तुम जो है आ, ऐसी खराब बातें क्यों करते हो यहाँ पर वर्ड को मैं एक बार फिर से अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ आपको ये वर्ड है वाई टॉक रॉट तुम जो है आ, घटिया बात क्यों करते हो सड़ी हुई बात क्यों करते हो आ, इट इज़ ऑफुल ये भयानक है इट इज़ ऑफुल ये भयानक है इट इज़ टाइम योर गैस वॉज शॉर्ट अब शॉर्ट वर्ड का यहाँ पे यूज़ हुआ है देखिए शॉर्ट यानी बंदूक से गोली निकल गई तो अब वो दोबारा चलने के काबिल नहीं रही ख़त्म हो गई तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि वो जो डॉग है तुम्हारा वो बूढ़ा हो गया है कमज़ोर हो गया है यहाँ जो शॉर्ट का मीनिंग हो गया वो हो गया रिड्यूस्ड रिड्यूस टू अंट रुइंट और यूजलेस स्टेट यूजलेस स्टेट यानी वो अब भूढ़ा हो गया है कमजोर हो गया है यूजलेस हो गया है यहां पर वो ये कहना चाह रही है इस शॉर्ट वर्ड के माध्यम से ये शॉर्ट वर्ड है इसके माध्यम से कहना चाह रही है इट इज़ टाइम योर गैस वॉज शॉर्ट ये टाइम है कि तुम्हारा जो गैस है कुत्ता है वो अब ख़त्म हो चुका है बूढ़ा हो चुका है कमज़ोर हो चुका है एंड यू कंपेयरिंग विद स्क्वीज़र और तुम स्क्वीज़र से हमारे डॉग से उसकी कम तुलना कर रहे हो एक्सक्यूज मी लोमो कहता है आई कैन नॉट कॉन्टिन्यू दिस डिस्कशन माफ़ कीजिए मैं इस बातचीत को आगे जारी नहीं रख सकता इस बहस को आगे जारी नहीं रख सकता हूँ माय हार्ट इज़ पालपिटेटिंग मेरा हृदय दूर जोर से धड़क रहा है आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर यू हु मोस्ट हु नो लीस्ट वही आ, हंटर्स शिकारी जो हैं ज्यादा बहस करते हैं जो कम जानते हैं लोमो मैडम प्लीज बी साइलेंट चुप रहिए कृपया माय हार्ट इज गोइंग टू पीसीस मेरे हृदय जो है वो टुकड़ों तुकड़ो टुकड़ों में बटने वाला है टुकड़े टुकड़े हो रहा है यानी बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ गई है शाउट चिल्लाता है शड़ा चुप हो जाओ तालिया I shan't shut up until you acknowledge until you acknowledge जब तक के आप नहीं मान लेते that squeezer is a hundred times better than your gas मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक आप ये नहीं मान लेते कि squeezer जो है गैस से सो गुना बेहतर है लोमो हंड्रेड times worse oh सो गुना worse खराब बात है बेकार घटिया बिल्कुल be hanged to your स्क्वीजर तुम्हारे स्क्रीजर को फांसी पर चढ़ा देना ना चाहिए His head, उसका सिर आईज शोल्डर नैतालिया बोलती है देर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गैस और तुम्हारा जो बेवकूफ सा स्टूपिड गैस है उसको तो फांसी पे भी टंगाने की जरूरत नहीं है He is half dead already. वो पहले आधा मर चुका है लोमो वीप्स रोता है चिल्लाता है शराब चुप हो जाओ माई हॉट इज बॉस्टिंग मेरा हृदय फटा जा रहा है नैतालिया आईशान शटअप मैं चुप नहीं होंगी एंटर चुबुको और इतने में चुबुको की फिर से एंट्री हो जाती है चुबुको व्हाट इज द मैटर नाउ अब क्या बात हुई भाई अब क्या मामला है नैतालिया पापा टालस ट्रूली हमें सच सच बताओ विच इज़ द बेटर डॉग आवर स्क्वीजर और हिज कैस हमारा स्क्वीजर बेहतर है या उसका गैस बेहतर है लोमो स्टेपन स्टेप स्टेपनोविच आई इम्प्लोर यू इम्प्लोर रिक्वेस्ट करना आई इम्प्लोर यू टू टैल मी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बताएं जस्ट वन थिंग एक बात इज योर स्क्वीज़र ओवर शॉट और नॉट आपका स्क्वीज़र ओवर शॉट है या नहीं यस और नो चुभको एंड सपोज ही इज और मान लो अगर वो है वॉल डज इट मैटर इससे क्या फर्क पड़ता है ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट यानी ये जो हमारा स्क्वीज़र है हमारा जो डॉग है पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे जिले में सबसे बेहतर है दी बेस्ट है है लोमो बट क्या मेरा नहीं रियली really? वास्तव में नाव चुभ को डोंट एक्साइट योर सेल्फ उत्तेजित मत हो माई वन मेरे प्यारे अलाउ मी मुझे थोड़ा इजाजत दो टाइम दो योर गैस सर्टेनली हैज इज गुड पॉइंट्स तुम्हारा गैस जो है वास्तव में वो कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा है इज प्योर बर्ड वो प्योर बर्ड है यानी शुद्ध प्रजाति का है फॉर्म ओन फीट पैरों से मजबूत है हैज वेल स्प्रंग रिब्स और उसकी जो पसलियां हैं वो अच्छी तरह से उभरी हुई हैं एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह बट माई डियर मैन लेकिन प्यरे प्यारे आदमी इफ़ यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ अगर तुम सच जानना चाहते हो दैट डॉग हैज टू डिफेक्ट उस डॉग के अंदर दो कमियाँ हैं ही इज़ ओल्ड पहला तो वो बूढ़ा हो गया है एंड ही इज़ शॉर्ट इन द मजल और मज़ल उसकी मज़ल कहते हैं जो ये जानवर होते हैं इनकी नाक और ओट वगैरह जो होते हैं वो थूथन सामने की मुंह की जो होती है कि वो जो है छोटी है लोमो एक्सक्यूज़ मी माफ़ कीजिए माई हार्ट मेरा दिल लेट्स टेक द फैक्ट्स मैं आइए तथ्य को आपसे आपको आगाह कराता हूँ तथ्यों से तथ्य आपको बताता हूं क्या कह रहा है यू विल रिमेम्बर दैट ऑन द मारूसिंसकी हंट माई गैस रैन नेक एंड नेक विद द काउंट्स डॉग अब यहाँ वो याद दिला रहा है कुछ क्या कह रहा है कि आपको याद होगा मारूसिंसकी का जो शिकार हुआ था उसमें मेरा जो गैस था मेरा जो कुत्ता था रेन नेक टू नेक साइड बाय साइड नेक टू नेक साइड बाय साइड बराबर बराबर काउंट का जो डॉग था जो राजा का नवाब का जो डॉग था काउंट का उसके साथ साथ जो दौड़ा था वाइल स्क्वीज़र वॉज लेफ्ट अहूल वर्स्ट बिहाइंड अहूल वर्स्ट बिहाइंड भयंकर तरीके से बुरी तरह से काफी पीछे रह गया था जबकि आपका स्क्वीज़र जो है उस दौड़ में काफी पीछे रह गया था चुब याद दिला रहे हैं उसे ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट्स वीपर इन हिट हिम विद हिज विप कहते हैं कोडा मारने वाला लड़का वो पीछे इसलिए गया था क्योंकि काउंट का जो कोडा मारने वाला लड़का है उसने उसको कोडा मार दिया था नाउ वी मूव टू पेज नंबर 155 लोमो एंड विद गुड रीजन और अच्छा कारण अच्छी वजह यह है द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स के आ, मतलब डॉग्स जो थे वो एक लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे वन स्क्वीज़र गोज़ एंड स्टार्स वरिंग अ शीप जबकि स्क्वीज़र जो है आप गलत बोल रहे हो सही कारण मैं बताता हूँ सही कारण ये है कि कुत्ते जो थे एक लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे लेकिन जब स्क्वीज़र ने एक शीप को एक भेड़ को देखा तो वो उसके पीछे दौड़ने लगा अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि शीप जो है वो बहुत तेज़ नहीं दौड़ पाती है ना तो वो मतलब एक नेगेटिव उसको जो है वे में वो इस पीजर को बता रहा है चुभको और लोमड़ी जो है वो बहुत तेज़ भागती है चुभ को इट इज़ नॉट ट्रू ये सच नहीं है माय डियर फैलो वो अभी भी थोड़ा सा बनाए रखे है बात को आई एम वेरी लाइबल टू लूज़ माई टेम्पर आई एम वेरी लाइबल Liable to lose my temper, and so just because of that. यानी मैं मतलब मैं जो है अपना आपा खोने वाला हूं यानी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है बड़ी मुश्किल से मैं कंट्रोल कर रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसी की वजह से लेट स्टॉप आर गोइंग अब आप क्या करो बहस करना बंद कर दो यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्स ऑग डॉग्स सॉरी तो आपने मतलब तुम लोगों ने इसलिए बहस शुरू कर दी चूंकि हर कोई दूसरों के कुत्तों से जलता है यस yes, वी आर ऑल लाइक दैट हम सब एक ही जैसे हैं यू टू तुम भी सर श्रीमान ऐसे नहीं हो रोप नहीं आता या तुम जो है जेलस फील नहीं कर रहे हो यू नो सुनर बिगिन विद दिस दैट एंड दर एंड ऑल दैट आई रिमेंबर एवरीथिंग यानी ज़रा देर भी नहीं हुई और तुमने फिर से इधर उधर की यहाँ की वहाँ की बातें शुरू कर दी आई रिमेंबर एवरी मुझे सब कुछ याद है आई रिमेंबर टू मुझे भी याद है टीजिंग हिम उसको परेशान करते हुए क्या कहते हैं आई रिमेंबर टू यानी एक सा मारते हैं उसके शब्दों को दोहराते हैं और फिर क्या कहते हैं वॉट डू यू रिमेंबर क्या याद रह तुम्हें माई हार्ट मेरा हृदय मेरा दिल माई फूड इज़ गोइंग टू स्लीप मेरा पैर सो गया है आई कॉन्ट यहाँ कांट का मतलब है कि मैं और ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और नटालिया टीजिंग वो भी परेशान करते हुए माई हार्ट वो भी उसकी बात को दोहराती है व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू किस तरह के शिकारी हो तुम यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन तुम्हें तो क्या करना चाहिए किचन में चले जाना चाहिए और वहाँ जो ओवन है उसके ऊपर लेट जाना चाहिए एंड कैच ब्लैक बीटल्स नोट गो आफ्टर फॉक्सिस माई हॉट यानी क्या कह रही है यूँ कह रही है कि आपको वहाँ किचन में जाकर ओवन के ऊपर से कीड़े वीड़े पकड़ना चाहिए आप बड़े बड़े शिकार करने के लायक नहीं हो नोट गो आफ्टर फॉक्सिस लोमड़ियों के पीछे भागने के काबिल नहीं हो माई हॉट फिर से उसके वर्ड्स को दोहराती है चुभको यस वॉट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू वो भी उसके वर्ड्स को कहता हाँ वास्तव में तुम क्या हो सॉर्ट किस तरह के किस प्रकार के शिकारी हो तुम एनी वे खैर यू ऑट टू सिट एट होम विद योर पालपिटेशंस तुम्हें अपने पालपिटेशंस के साथ में यानी अपने हृदय की धड़कन जो तुम्हारी कंट्रोल में नहीं रहती है घर जाओ लेट जाओ एंड नोट गो ट्रैकिंग एनिमल्स यानी जानवरों के पीछे मत दौड़ो ट्रैकिंग एनिमल्स यू कुड गो हंटिंग बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल एंड इंटरफियर विद देयर डॉग्स एंड शो ऑन तुम हंटिंग में शिकार में जाते तो ज़रूर हो लेकिन किस लिए केवल बहस करने के लिए लोगों के साथ कैसी इंटरफियर दखल देने के लिए इंटरफियर दखल देना दखल देने के लिए विद देयर डॉग्स उनके कुत्तों के मामलों में एंड सो ऑन और वगैरह वगैरह लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज़ माई टेंपर आओ विषय को बदल देते हैं नहीं तो क्या होगा मैं अपना आपा खो दूंगा मुझे गुस्सा आ जाएगा यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनी वे तुम एक शिकारी नहीं हो किसी भी तरह से अब लोमो कहता है एंड आर यू हंटर और क्या तुम हंटर हो तुम शिकारी हो यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंट्री यानी तुम सिर्फ शिकार पे इसीलिए जाते हो ताकि तुम काउंट के पास पहुंच सको बातचीत कर सको और इंट्री साजिश कर सको ओ माई हार्ट यू आर एन इंट्रीगर तुम क्या हो तुम एक इंट्रीगर हो यानी साजिश करता हो चुभ को वॉट क्या आई एम इंट्रीगर मैं एक साजिश करने वाला हूं शाउट चिल्लाता है अप लोमो इंट्रीगर साजिश करने वाले चुभ को बॉय पप पप किसे कहते हैं पप कहते हैं कुत्ते के पिल्ले को कहते हैं गाली दी है उसने लोमो ओल्ड रेड बूढ़ा चूआ जे जेसुइट जे सुईट किसको कहते हैं ये जो है आ, वर्ड यूज़ होता है जीसस क्राइस्ट के लिए यूज़ किया जाता है हे ईश्वर हे जीसस क्राइस्ट चुबको अप और आई विल शूट यू लाइक अ पार्ट चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें एक तीतर की तरह गोली मार दूंगा यू फूल तुम बेवकूफ़ आदमी लोमो एवरीबडी नोज़ दैट हर कोई जानता है उस बात को ओ माई हार्ट योर लेट वाइफ तुम्हारी जो स्वर्गीय पत्नी है यूज़ टू बीट यू तुम्हें पीटा करती थी लड़ाइयों में एक दूसरे की कलाई खुल जाती है ये बात सच है हर हालत में वो कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारी स्वर्गीय पत्नी पीटा करती थी माई फीट मेरे पैर टेम्पल्स स्पार्क्स आई फॉल आई फॉल मंदिर और इस पार्स यानी कि चिंगारियाँ आई फॉल मैं गिर रहा हूँ मैं गिरा मैं गिरा चुबुको एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ़ योर हाउस कीपर और वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें तो चलो मेरी तो बात यही है तुम्हें क्या है तुम्हें तो तुम्हारा नौकर जो है एंड यू आर अंडर द स्लीपर चप्पल के नीचे ऑफ योर हाउस कीपर यानी तुम्हें तो तुम्हारा नौकर पीटता है लुमोव दे आओ दे आओ दे आओ, माई हार्ट, अब, मेरा फट गया माई शोल्डर मेरे कंधे कम ऑफ या मानो है ही नहीं वेयर इज माई शोल्डर का है मेरा शोल्डर आई डाई मैं मरा फॉल्स इंटू एन आर्म चेयर अ डॉक्टर एक आर्म चेयर पे गिर जाता है और कहता है डॉक्टर चुबको बॉय लड़के मिल्क सोप ये भी एक गाली है भैया फूल बेवकूफ़ आई एम सिक मैं बीमार हूँ ड्रिंक्स वाटर पानी पीता है कौन चुबको? चुबको भी सिक फील करता है और वाटर पीता है नतालिया वाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू तुम किस तरह के शिकारी हो यू कॉन्ट इविन सिट ऑन अ हॉर्स तुम तो एक घोड़े की पीठ पर भी नहीं बैठ सकते टू हर फादर अपने पिताजी से पापा व्हाट इज़ द मैटर विद हिम मतलब क्या मामला है भाई इसके साथ पापा लुक देखो पापा इसक्रीन चिल्लाती है वॉ सले विच ही इज डैड मर गया क्या कहीं क्या हो गया इसे इसे देखो ना कहीं ये मर तो नहीं गया चुभ को आई एम सी करे मैं खुद बीमार हो गया भाई आई कॉन्ट ब्रेद मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ एयर हवा हवा कहाँ है और मूव करते हैं नेक्स्ट पेज वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स पे ये लास्ट पेज हो जाता है नटालिया ही इज़ डैड वो मर गया है पुल्स लोमोव स्लीव लोमोव की जो स्लीव है जो उसकी कमीज़ की बहाँ है उसको खींचती आस्तीन को इवान वसलेविच इवान वसलेविच वॉट हैव यू डन ट क्या कर दिया है तुमने मुझे ही इज डैड अरे वो तो मर गया फॉल्स इन टू एन आर्म चेयर वो भी एक आर्म चेयर पर गिर जाती है अ डॉक्टर अडॉक्टर हिस्टेरिक्स और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है चुबको ओह वॉट इज इट अरे ये क्या हो गया वाट इज द मैटर क्या मामला है निया वेल्स न्याया रोती है और रोते हुए कहती है हीज डैड वो मर गया डैड चुभको हु इज डैड कौन मर गया लुक्स एट लोमो लोमो को देखते हैं सो ही इज अरे वो है माई वर्ड ऐश्वर वाटर पानी डॉक्टर मतलब बदहावासों की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं लिफ्ट अ टम्बलर टू लोमोस माउथ और एक टम्बलर गिलास को कहते हैं जो पानी पीने का हमारा गिलास होता है उसे उठा के लोगों के माउथ तक ले जाते हैं ड्रिंक दिस इसे पियो नो no, नहीं ही डजन ड्रिंक अरे वो नहीं पी रहा है इट मीन्स ही इज डैड वो मर गया है एंड ऑल दैट आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन मैं सबसे ज़्यादा नाखुश व्यक्ति हूँ वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इन टू माई ब्रेन मैं क्यों ना अपने दिमाग में गोली मार लूँ वाई हैवेंट आई कट माई थ्रॉट यट और मैं मतलब क्यों ना अपना गला काट लूँ वट एम आई वेटिंग फॉर किसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं गिव मी अ नाइफ मुझे एक चाकू दो छुरी दो गिव मी अ पिस्टल मुझे एक पिस्टल बंदूक दे दो लोमो मूव्स लोमो में किसी हरकत होती है ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड ऐसा लगता है जैसे वो होश में आ रहा था ड्रिंक सम वाटर है ना थोड़ा पानी पी लो दैट इज राइट वो ठीक है लोमो आई सी स्टार्स मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं मिस्ट धुंध है एम आई मैं कहाँ हूँ चुबको, को हरिअप जल्दी करो एंड गेट मैरिड जल्दी से शादी कर लो एंड वेल टू द डेविल विद यू यानी राक्षस जो है दैत्य जो है वो तुम्हारे साथ है ये इस शादी को रोकना चाहता है तुम्हें भड़का रहा है शी इज़ विलिंग वो इच्छा कर रही है यानी उसने भी मर्जी हो गई उसकी वो भी शादी करना चाहती है ही पुश लोमोज हैंड इन टू हिज डॉटर्स वो लोमो का हाथ अपनी बेटी के हाथ में दे देता है शी इज़ विलिंग शी इज़ विलिंग यानी उसकी भी इच्छा हो रही है एंड ऑल दैट मतलब यही सब कुछ आई गिव यू माई ब्लेसिंग एंड सो ऑन मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ वगैरह वगैरह ओनली लीव मी इन पीस केवल मुझे शांति से जीने दो मुझे चैन से रहने दो लोमो गेटिंग अप उठते हुए ए वॉट क्या टू हुम किसको है ना चुबको शी इज़ विलिंग अरे वो मतलब कह रही है उसने हाँ कर दी है भाई वेल well, ठीक है किस एंड बी डैम्ड डू यू यानी किस uh, करो एक दूसरे को और डैम्ड टू यू यानी यहाँ पे जो है अधिकार है तुम लोगों पे नतालिया वेल्स वीप्स रोती है थोड़ा सा रो करके कहते ही इज़ अलाइव वो जिंदा है यस हाँ हाँ आई एम विलिंग अरे भाई मैं मेरी मर्जी है मैंने जो है शादी के लिए हाँ कर दी है चुपको किसी चिदर एक दूसरे को किस करो किस होम किसको किस करूं दे किस फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं वेरी नाइस nice, बहुत अच्छा टू बढ़िया एक्सक्यूज मी माफ़ कीजिए व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट मतलब ये किस चीज़ के बारे में है सब कुछ क्या है ओ नाउ आई अंडरस्टैंड मतलब अभी तक वो पूरी तरह से खुश में नहीं अब अब मुझे समझ आ रहा है स्टार, खुश हूँ

बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज वर्स देन स्क्वीजर क्यूजर आ रहे भैया फिर से झगड़ा शुरू हो गया देखिए शादी हो गई है फिर से झगड़ा शुरू हो गया लेकिन तुम्हें यह बात माननी पड़ेगी कि गैस जो है स्क्वीजर से बुरा है लोमो बैटर बेहतर है नालिया वर्स बुरा है चुबको वैल देट इज अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लेस हैव सम अरे ये मतलब कौन सी शादी की शुरुआत है ये तुमने किस तरह से शादी की शुरुआत कर दी है हैव सम शैम्पेन शादी की शुरुआत करनी है तुम्हें कुछ शैम्पेन वैम्पेन लो भाई लोमो ही इज़ बेटर वो बेहतर है नटालिया वर्स 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 खराब है खराब है खराब है अब चुप को इस झगड़े को रोक देना चाहता है ट्राइंग टू शाउट हर डाउन उसे उसे मतलब चुप करने के लिए खामोश करने की कोशिश करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है शैम्पेन शैम्पेन और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है इस प्ले का एंड हो जाता है होप यू इंजॉयड द एक्सप्लेनेशन और चैप्टर आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग अपैक्स ट्यूटोरियल्स थैंक यू